भारत ने आज पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के बालासोर में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से रुद्रम ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। रुद्रम 1 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया है। ये मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ने में सक्षम है। रुद्रम 1 मिसाइल दुश्मन के रडार, संचार साइट और रेडियो फ्रीक्वेंसी निकालने वाले टारगेट पर हमला कर सकती है, यानी इसके हमले से दुश्मन देश की सैन्य संचार व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है। इतना ही नहीं, रुद्रम मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। ये मिसाइल पैसिव होमिंग हेड और INS GPS नेविगेशन से लैस है। रुद्रम 1 मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से दोगुनी तेजी से लक्ष्य पर वार करने में सक्षम है। राजस्थान के करौली में एक पुजारी को जिंदा जलाए जाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 5 फरार हैं। जमीन विवाद में पुजारी बाबूलाल वैष्णव को 7 अक्टूबर को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। कल जयपुर में उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सपोटरा करौली में बाबूलाल वैष्णव जी की हत्या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। सभ्य समाज में ऐसे कृत्य का कोई स्थान नहीं है। प्रदेश सरकार इस दुखद समय में शोकाकुल परिजनों के साथ है। घटना के प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, कार्रवाई जारी है। वारदात को लेकर बीजेपी ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कल बीजेपी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल पुजारी के परिवार से मिलने जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी को अब राजस्थान जाना चाहिए। राहुल गांधी को बाकी भारत दर्शन करने के बजाय राजस्थान के जिले जिले में जाना चाहिए और वहां ये अपने सरकार से या तो इस्तीफा ले ले या सुधारने के लिए कवायद करे। इस बीच करौली धौलपुर से सांसद मनोज राजौरिया ने पुजारी के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। NIA ने भीमा कोरेगांव मामले में 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 8 महीने पहले इस मामले की जांच शुरू की थी। NIA की चार्जशीट में गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर आनंद तेल तुम्बड़े, सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा, दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हनी बाबू, कबीर कला मंच के सागर गोरखे, रमेश गायछोर और उनकी पत्नी ज्योति जगताप के अलावा फादर स्टेन स्वामी और मिलिंद तेल तुम्बड़े के नाम शामिल हैं। जनवरी 2018 में भीमा कोरेगांव में भड़की हिंसा के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और कई लोग जख्मी हो गए थे। TRP घोटाले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच तेज कर दी है। रिपब्लिक टीवी के CFO को क्राइम ब्रांच ने कल आने का समन दिया है। मुंबई पुलिस की तरफ से 2 विज्ञापन एजेंसियों को भी समन भेजा गया। TRP घोटाले में रिपब्लिक टीवी के बैंक अकाउंट की फॉरेंसिक जांच होगी। TRP केस के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने कल रिपब्लिक टीवी के CFO और अकाउंटेंट्स फप मराठी और बॉक्स सिनेमा को और 2 एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को भी कल समन किया हुआ है। जी न्यूज के पास मुंबई पुलिस का आधिकारिक दस्तावेज है जिसके मुताबिक रिपब्लिक टीवी देखने के लिए पैसे दिए जाते थे। मुंबई पुलिस की पूछताछ में बार्क ने रिपब्लिक टीवी के खिलाफ सबूत पेश किए हैं। TRP घोटाले पर जी न्यूज की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। आज जी न्यूज पश्चिमी मुंबई में उस व्यक्ति के घर पर पहुंचा जहां TRP वाला मीटर लगा है, जहां उसे TRP मीटर लगाने के लिए पैसे दिए गए। इसके अलावा पड़ताल में जी न्यूज एक ऐसे व्यक्ति के पास भी पहुंचा जिसका दावा है कि एक खास चैनल को देखने के लिए 400 से 500 रुपए का ऑफर दिया गया। जी न्यूज ने दिखाया कि कैसे TRP फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार विशाल भंडारी इलाके के कई लोगों को खास चैनल देखने के बदले पैसे देता था। इस TRP घोटाले के सबूत जी न्यूज के पास है। जी न्यूज को एक गवाह ने दिखाया कि पिछले साल TV देखने के लिए उसके गूगल पे अकाउंट में 6 बार पैसे आए। TRP घोटाले के बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी प्राइवेट टेलीविजन चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने कहा है, टेलीविजन चैनल झूठे, अर्ध सत्य, अश्लील और किसी व्यक्ति या समूह को लेकर आपत्तिजनक सामग्री का प्रसारण न करें। टेलीविजन चैनल केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के तहत जो प्रोग्राम कोड है उसका पूरी तरह से पालन करें। किसी व्यक्ति, समूह, समाज के किसी वर्ग, आम लोगों या देश की आलोचना करने, लांछन लगाने या अपमानित करने वाली सामग्री का प्रसारण न हो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की यह सलाह अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की याचिका को देखते हुए आई है।
जिसमें सुशांत ड्रग्स मामले की जारी जांच के दौरान बदनाम करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाने का आरोप है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं के खिलाफ बीजेपी ने आज भी प्रदर्शन किया। कोलकाता में बीजेपी ने कैंडल मार्च निकाला और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इन प्रदर्शनों को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय समेत 20 नेताओं पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक प्रदेश में दो कानून कैसे है? और अगर हम पे किया तो हमें न्यायपालिका पे विश्वास है, हम न्यायपालिका में जाएंगे और हमें मालूम है कि पुलिस ने कितनी जातियाँ की है। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज फिर से सवाल उठाए। राज्यपाल ने कहा कि बिगड़े हालात का ममता सरकार को अंदाजा तक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द वेस्ट बंगाल इज वेरी अलार्मिंग। वी हैव टेरर आउटफिट्स लाइक अलकायदा। जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ रुपए के रोशनी भूमि घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। जम्मू कश्मीर की चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राजेश बिंदल की अध्यक्षता में गठित डिवीजन बेंच ने मामले की जांच सीबीआई को देने का निर्देश जारी किया। जिस कानून के तहत इस घोटाले को अंजाम दिया गया था उस कानून को असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। उस कानून के असंवैधानिक डिक्लेयर होते ही उसके तहत जितने भी मालिकाना हक सरकारी जमीन के एनक्रोचर्स को दिए गए थे वो सब कैंसिल हो गए, उन्हें इलीगल वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 20 लाख कनाल सरकारी भूमि पर नेताओं, पुलिस अधिकारियों, नौकरशाहों, राजस्व अधिकारियों के अवैध कब्जे को जायज बनाने के लिए रोशनी एक्ट बनाया गया, जिसमें करोड़ों रुपए की जमीन बहुत कम दामों पर दे दी गई। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।